प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे टुडे टे टॉपिक इज़ जीआई पाइप्स जिसका फुल फॉर्म है आयरन पाइप्स सो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक दीज पाइप्स आर मोस्टली यूज्ड इनसाइड द बिल्डिंग फॉर वाटर सप्लाई वर्क तो इन पाइप्स का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं जो भी रेजिडेंशल बिल्डिंग्स है इस्पेली वहाँ पे है वहाँ पे हम इन पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं जी आई का इस्तेमाल करते हैं जिंक कोटिंग इज मेड ऑन रॉड स्टील पाइप्स तो ये जो पाइप्स बनी होती है ये रॉड स्टील की बनी होती है इस पर हम जिंक की कोटिंग करते हैं इसीलिए इसको हम जी आई यानी गैल्वानाइज्ड गलवानाइज आयरन पाइप्स कहते हैं दीज पाइप्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन लाइट मीडियम एंड हैवी ग्रेड कैटेगरी ये पाइप्स हम डिफरेंट ग्रेड्स में मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर एग्जांपल लाइट ग्रेड में मैन्युफैक्चर करते हैं मीडियम में और हैवी ग्रेड में एज पर द थिकनेस ऑफ द मेटल तो जो मेटल की थिकनेस होगी एज पर हम इसकी ग्रेडिंग करते हैं कि ये लाइट है मीडियम है या हैवी ग्रेड कैटेगरी है फॉर ए फिफ्टीन एम एम डाया मीटर जी आई पाइप द पाइप थिकनेस इज़ कैप्टज़ टू पॉइंट जीरो एम एम टू पॉइंट सिक्स फाइव एम एम एंड थ्री पॉइंट टू फाइव एम एम रेस्पेक्टिवली फॉर द लाइट मीडियम एंड हैवी कैटेगरी तो अगर हमें कोई भी पाइप बनाना है जिसका डाया होगा फिफ्टीन एम एम जी आई पाइप तो इसमें हम मेटल की थिकनेस रखते हैं टू एम एम टू पॉइंट सिक्स एम एम और थ्री पॉइंट टू फाइव एम एम एकॉर्डिंगली जो टू एम एम होगा उसका ग्रेड होगा लाइट जो टू पॉइंट सिक्स फाइव एम एम होगा उसका मेटल की थक्नेस की बात कर रहा हूँ मैं तो इस वो मीडियम ग्रेड में आएगा और जिसकी थिकनेस होगी थ्री पॉइंट टू mm, फाइव एम तो ये हैवी ग्रेड में आए ये ये हैवी ग्रेड कैटेगरी में आएगी ये पाइप इसी ग्रेड में आएगी हैवी ग्रेड में मोस्टली मोस्टली द मीडियम ग्रेड टाइप पाइप्स आर प्रेफर्ड फॉर इंटरनल प्लम्बिंग वर्क इन ए बिल्डिंग तो मोस्टली हम जो मीडियम ग्रेड टाइप पाइप्स है इन्ही का इस्तेमाल हम करते हैं जो भी हम इंटरनल पाइप्स इंस्टॉल करते हैं रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में सिक्रू एंड सॉकेट जॉइंट्स आर मोस्टली अप्लाइड इन जी आई पाइप तो इसमें सिक्रू और सॉकेट जॉइंट्स है वो हम यूज़ करते हैं जी आई पाइप में इन्हीं की हेल्प से हम को जॉइन करते हैं फॉर एग्जांपल पाइप के एंड पे थ्रेड्स बने होते हैं और हम इसमें फिटिंग्स जो है जिनके इंटरनल साइड में थ्रेड्स बनते हैं वही हम इसके ऊपर इसके साथ ज्वाइन करते हैं बाई स्क्रीनिंग बाई लूजिंग टाइटनिंग तो लेकिन जब भी हम ये पाइप्स और फिटिंग्स या पाइप्स और पाइप जॉइन करेंगे तो हमने बहुत सारे प्रिकॉशंस का ख्याल रखना है फर्स्ट वन इज़ इंश्योर दैट बोर्स अराउंड द पाइप्स आर रिमूव्ड बिफोर थ्रेडिंग तो जब हम थ्रेडिंग थ्रेड्स बना रहे हैं पाइप में विद विद हेल्प ऑफ थ्रेडिंग डाई तो इसमें जो चिप्स रह जाते हैं हमने उनको रिमूव करना है या जो भी इसमें जो स्मूथ सरफेस नहीं होती है पाइप के एंड पे हमने इसे स्मूथ बनाना है इसके बाद हमने इसमें थ्रेडिंग थ्रेड्स बनानी है यूज़ ऑयल और लिब्रिकेशन ज्यूरिंग थ्रेडिंग तो थ्रेडिंग के साथ साथ हमने इसमें ऑयल और लिब्रिकेशन अप्लाई करना है इससे हमारी थ्रेडिंग जो है वो स्मूथ हो जाएगी और हम स्मूथली इसमें थ्रेड्स बना पाएंगे थर्ड पॉइंट इज रोटेट द डाई स्टाक क्लाक वाइज एंड एंटी क्लाक वाइज वायल कटिंग थ्रेड्स ऑन द पाइप सो एज टू रिमूव क्लिप्स फ्रॉम चिप्स फ्रॉम द डाई तो हम क्या करते हैं डाई स्टॉक को हम क्लाक वाइज रोटेट करते हैं अराउंड द पाइप और फिर एंटी क्लाक वाइज इससे इसमें थ्रेड्स भी बन जाते हैं और जो चिप्स इसमें रह जाते हैं वो इससे रिमूव हो जाती है